गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करा जिसमें हमने लास्ट टॉपिक कल पढ़ा था पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4। सो आज हमें स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जो हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट। जिसकी फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, सेकेंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, थर्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फोर्थ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड लास्ट इनफर्टिलिटी। इन फॉलोइंग जो हेडिंग्स है इनको फॉलो करते हुए हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। सो यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर नंबर 3। हमने चैप्टर नंबर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में अच्छे से समझा है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि इससे जुड़ता हुआ टॉपिक है। मतलब अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस चैप्टर को भी अच्छे से समझ पाओगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। What do we understand by this term? मतलब इस टर्म से हम क्या समझते हैं? The term simply refer to healthy reproductive organs with normal function. मतलब ये जो टर्म है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये क्या रेफर करता है? एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि नॉर्मली फंक्शन करे। मतलब एक ह्यूमन बींग हो, मान लीजिए मतलब जो भी एक ह्यूमन बींग है उसकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो पर्टिकुलरली हेल्दी रहे और नॉर्मल फंक्शन करें। कैसे आई देखते। However, it has a broader perspective and include the emotional and social aspects of reproduction also. According to the WHO, means World Health Organization. World Health Organization. कई बार इसका भी फुल फॉर्म पूछ लेता है WHO का बोर्ड एग्जाम्स में, तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। आगे लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब पूरी हर नज़रिए से रिप्रोडक्शन की अगर हम देखें तो एक हेल्दी ह्यूमन बींग जो होता है उसी की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को ही हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट? दैट इज़ फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल। मतलब वो फिजिकली भी हेल्दी हो, इमोशनली भी हेल्दी हो, बिहेवियर मतलब बिहेवियर भी कहीं से मतलब जैसे इल ना हो मेंटली, और सोशल मतलब उसका समाज में कैसा उसका व्यक्तित्व है। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotion and behavioral interaction among them in all sex related aspects might be reproductive healthy, might be called reproductive health. Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? Let us examine them. So our first topic is reproductive health problem and strategies. मतलब हमारे reproductive health से related जो भी problems है और इन्हें sort out करने के लिए कैसे कौन कौन सी strategies हमें adopt करनी चाहिए वो पढ़ेंगे। So India was amongst the first country in the world to initiate action plan and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. कि इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है, मतलब फर्स्ट कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में जो क्या कर रही है, कुछ ऐसे एक्शन और प्लान्स को क्रिएट कर रही है, कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रही है नेशनल लेवल पे जिससे वो टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर पाए। मतलब हमारा एक सोशल गोल है कि जितने भी लोग इंडिया में सर्वाइव कर रहे हैं रह रहे उन सबकी हेल्थ बेटर रहे और वो फुलफिल अच्छे से रहे, है ना। दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। इस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग एंड वर इनिशिएटेड इन 1951। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछता है कि फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है कब से इनिशिएट हुआ, मतलब कब से लागू हुआ है। तो ये 1951 से इनिशिएट किया गया है इंडिया में। एंड वर पीरियडिकली असिस्ट ओवर द पास्ट डिकेड्स, और इसे कई सालों से बहुत बेहतरीन और बखूबी रूप से फॉलो किया जा रहा है। इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है उन एरियाज में, उन सेक्टर्स में, मतलब इंडिया के जहाँ पे रिप्रोडक्शन की जो ग्रोथ है, मतलब रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड ग्रोथ उसे मेंटेन कर सकें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और इस प्रोग्राम का नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स। जैसे कि बच्चों को जो टीकाकरण का काम है ना, वो गांव-गांव में जाके जैसे पोलियो पिलाया जाता है, कई लोग जाते हैं, मतलब वो जो रहते हैं डिपार्टमेंट के लोग, तो उसी को ही हम इसके वही एक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के प्रोग्राम में अंडर में आता है ये एक स्ट्रेटजी। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप द रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। लोगों को अवेयर किया जा रहा है कई सारी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके मतलब जो भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में, और उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, सपोर्ट किया जा रहा है ताकि हम एक हेल्दी सोसाइटी एनवायरमेंट क्रिएट कर सकें, है ना। एंड आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम्स।
विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस. मतलब बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है और गवर्नमेंट के अंडर में नहीं भी आती है. इस तरह की कई सारी एजेंसीज काम कर रही है किसके थ्रू, ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया, मतलब पेपर न्यूज़पेपर में के थ्रू, मैगजीन के थ्रू. ये लोगों को गांव-गांव में और हर एक छोटे से छोटे कस्बे में जो लोग रह रहे हैं उन्हें अवेयर करिए हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, है ना. एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट हेल्थ रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स. पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन. मतलब जितने भी पढ़े लिखे जो हमारे सोसाइटी में होते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, हमारे क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड हो गए, तो इनको भी ये भी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं. मतलब उसको एक तरह से सॉर्ट आउट करने में हेल्प करें कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में. Introduction of sex education in school also should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myth and having misconception about sex related aspects. और sex education जो है introduction किया जा रहा है schools में ताकि जो हमारी youth है उन्हें ये information मिल पाए और वो misconception और myth से दूर रहें, मतलब उन पर believe ना करें. आगे लिखा है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेंसेस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ्स एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स एक्सेट्रा. तो इन सब के बारे में नॉलेज दिया जा रहा है ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया के थ्रू. वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप टू लेड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी लाइफ. Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age groups about available birth control option, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child, etc. तो इसके अंदर में कौन, मतलब इस एक्सपेक्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ों को समझाया जा रहा है, जैसे कि लोगों को एजुकेट किया जा रहा है सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज के बारे में, मतलब ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, और जो मैरिजेबल एज ग्रुप के कपल्स हैं, मतलब किस एज में मैरिज होनी चाहिए. कई बार अपने गाँव में देखा होगा कि बहुत कम एज में बच्चों की मतलब मैरिज कराई जा रही, तो उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि कौन किस एज के बाद एक मतलब मैरिज सुटेबल है एज ग्रुप की. और बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस बताए जा रहे हैं कि बर्थ कंट्रोल को कैसे करना चाहिए, और जो प्रेग्नेंट मदर्स रहती हैं उनके खाने पीने के लिए केयर, मतलब अवेयरनेस दी जा रही है कि उन्हें कैसा खाना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, मतलब अगर जो बेबी जो बॉर्न हुआ है उसके टीकाकरण के बारे में उसे मतलब बताया जा रहा है कि उसे कब कब कौन कौन से टीके लगने चाहिए, पोलियो कब कब पिलाना चाहिए, तो ये सब चीज़ों के बारे में अवेयर किया जा रहा है. ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, और हर एक सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड को. जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई फीमेल चाइल्ड्स को लोग बाय बर्थ या तो उन्हें ख़त्म कर देते या तो उनका अबॉर्ट करवा देते, तो ये चीज़ जो है इसे समझाया जा रहा है कि गलत है, राइट. हमारी सोसाइटी में दोनों को, मतलब मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहनी चाहिए, हर एक चाहे कोई भी सेक्टर हो. एंड वुड एड्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर साइज, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. और पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ने के कारण अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया जाए, अगर एक अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका अवेयरनेस लोगों को दिया जा रहा है. सोशल इवेंट्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के थ्रू भी, जैसे कई जगह पे सेक्स एब्यूज़ किया जा रहा है लोगों को और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, तो उसके बारे में भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है. इन्हें हम सोशल एविल्स बोलते हैं एक्सेट्रा. एंड नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड वेयर बाय बिल्ड अप आर सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी. और इस तरीके से हम लोगों के सोचने का जो नज़रिया है उसे बदल रहे हैं, मतलब बदल इस प्रोग्राम के थ्रू उसे चेंज किया जा रहा है कि जो पहले की जो सोच रहती थी गाँव वालों की उसे चेंज करके, मतलब एक नई जो अभी प्रोग्रेसिव है एक डेवलप कंट्री के लिए, तो उसे स्टेप्स को लोगों को फॉलो करने के लिए इनिशिएट किया जा रहा है ना. और क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसके बारे में भी बताया जा रहा है. और देयर बाय बिल्डिंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी. और ये सब चीज़ों को करके हम अपनी जो सोसाइटी है इसे कैसे बना सकते हैं, एक हेल्दी सोसाइटी, ठीक है. आगे लिखा है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट्स. कि कई बार गांव में हॉस्पिटलिटीज नहीं होने के कारण कई जो रहती है मदर्स उनके बेबी बाय बर्थ
मतलब ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि कई लोग मतलब सिर्फ हॉस्पिटैलिटी ना होने के कारण या दूर रहने के कारण शहर से कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते, तो उनकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए अलग अलग जगह पे छोटे छोटे क्लिनिक्स खोले जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट ऑफिशल्स से के थ्रू, तो जिसके कारण अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जा रही है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ मतलब अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ पर प्लेस किए जा रहे हैं और मटेरियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है, मतलब ECG और जितनी भी मशीनें जो रहती है मतलब जो हेल्पफुल होती है। जैसे कई बार हार्ट के पेशेंट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं कि उन्हें बड़े शहर में रेफ़र करने को बोला जाता है छोटे डॉक्टर के बारे, क्योंकि उनके पास वो ट्रीटमेंट देने के लिए वो सारी चीज़ें मटेरियल नहीं होती, और इस कारण क्या होता है कि वो जो भी एक पर्सन है वो इसी वजह से सिर्फ मटेरियल ना होने की वजह से और एक्सपर्टीज़ के ना होने की वजह से ख़त्म मतलब एक तरीके से मर जाता है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसे दूर करने के लिए हर एक गाँव छोटे छोटे कस्बों में इसे चलाया जा रहा है इस प्रोग्राम को। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problems, infertility, etc. इस तरह की और भी जो problems है जैसे pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraceptions and menstrual problems, infertility, इन्हें भी दूर किया जा रहा है इस प्रोग्राम के तहत फोकस में रख के। Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. और इस तरीके से हमें better techniques को और नई strategies को adopt करके time to time हम अपने requirement के हिसाब से लोगों को केयर प्रोवाइड करेंगे एंड असिस्टेंस टू पीपल, और लोगों को असिस्टेंस भी मतलब नए नए जो नॉलेज रहता है लोगों को नॉलेज दिया जाएगा, है ना। अभी नॉलेज दो तरीके से दिया जाता है, या तो ऑडियो विजुअल के थ्रू मतलब कोई प्रोजेक्टर में वीडियोस दिखा के, या तो सेकंड आपको किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू या किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के आर्टिकल के थ्रू भी दिया जाता है। स्टेच्यूशरी बैन ऑन एमिनोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मिनेक ऑफ फीमेल फर्टिसाइड्स, मतलब ये जो एमिनोसिंथेसिस है ये एक्चुअली में क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जा रहा है ना, और जिस वजह से क्या होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि कई लोग ऐसे होती है फैमिली जिनको लड़की नहीं चाहिए होती है और वो इस चीज़ को जो कि इलीगल है उसे यूज़ करके मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेती है, और जब उन्हें पता चलता है कि ये जो बेबी अभी बॉर्न नहीं हुआ है मतलब होने वाला बेबी तो ये फीमेल है, तो उसे वहीं पर ही मतलब भ्रूण हत्या एक तरीके से की जाती है, यानी फीमेल के फर्टिसाइड को वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। Massive child immunization etc. and are some programs that merit mention in this connection. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substance. एमिनोसिंथेसिस एक्चुअली में होती क्या, ध्यान से देखिए कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एमिनियोटिक फ्लूइड जो रहता है एक डेवलपिंग फोटिस का उसे लिया जाता है और उसे एनालाइज किया जाता है उसमें जो फेटल सेल्स है और डिजॉल्व सब्सटेंसेस को। दिस प्रोसेस इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज जून सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एसेट्रा, और इस प्रोसेस को क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है, मतलब एमिनोसिंथेसिस के थ्रू जो फोटिस है मतलब जो डेवलपिंग बेबी है उसके अंदर कोई भी अगर डिसऑर्डर है जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसे पता लगाने के लिए टेस्ट करने के लिए, जैसे कि कौन कौन से डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एसेट्रा, और भी कई सारे सिंड्रोम्स हो सकते हैं, तो उन्हें डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट का नाम है एमिनोसिंथेसिस टेस्ट। इसमें एक्चुअली में एक एमिनोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है डेवलपिंग फोटिस के अंदर से और उसे एनालाइज करा जाता है उसमें जो फेटल सेल्स रहती है और डिजॉल्व सब्सटेंसेस को कि उसमें कोई कमी तो नहीं है एसेट्रा, एंड डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फोटिस, और इस तरीके से ये पता चल जाता है कि फोटस कितने समय तक रह पाएगा जिंदा। आगे लिखा है रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट द न्यू मेथड्स एंड आर टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस, कि कई सारे रिप्रोडक्शन की तरफ जो रिसर्चेज हो रही है और कई ऐसे एरियाज है जहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं तो उन्हें एनकरेज किया जा रहा है और सपोर्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू, और कई सारी नई मेथड्स को फाइंड किया जा रहा है जिससे हमारे जो एग्जिस्टेंस वन है मतलब जो है उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके। डू यू नो दैट सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो
इन लखनऊ इंडिया। तो यहाँ पे एक सहेली करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोग्राम है जो कि खास फीमेल्स के लिए। इसे डेवलप किया था कुछ साइंटिस्ट के थ्रू, कहाँ पे? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ इंडिया में। आगे लिखा है, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ द मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और लोगों को जो ज़्यादातर पहले क्या होता था कि गांव में जब हॉस्पिटलिटीज नहीं होती थी तो जो बेबीज रहते थे मोस्टली डिलीवरी के समय ज़्यादातर या तो मदर सर्वाइव नहीं कर पाती या तो बेबी सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कई सारी टेक्निक्स को अपनाया, मतलब अडॉप्ट कर रहे हम, ये जितनी भी टेक्निक्स अभी मैंने आपको बताई हैं अडॉप्ट किया जा रहा है। इसका भी नॉलेज लोगों को दिया जा रहा है कि क्या प्रेगनेंसी के समय क्या मदर की केयर कैसी होनी चाहिए ताकि बेबी हेल्दी बॉर्न हो और वो सर्वाइव कर सके। आगे लिखा है, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, मतलब कि छोटी फैमिली जो छोटा परिवार है और जिसमें कपल्स की संख्या ज़्यादा है तो उन्हें समझाया जा रहा है कि मतलब किस तरीके से अपनी बेटर फैमिली प्लानिंग करें, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मतलब जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसे प्रोवाइड किया जा रहा है जितनी ताकि जितनी भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट कर सके, दूर कर सके एक्सेट्रा एंड ऑल इंडिकेटेड इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। और ये सारी चीज़ें हम किस नज़र से कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, मतलब हमारी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, मतलब पॉपुलेशन को कैसे स्टेबल करना है और बर्थ की कैसे कंट्रोल रखनी है। अगर बर्थ कंट्रोल ना हो तो हमारी इंडिया की आबादी भी कुछ दिनों बाद पॉपुलेशन चाइना जितनी हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो हम इस हेडिंग में के अंडर में पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें क्या लिखा है देखते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, के जो हमारी लास्ट सेंचुरीज है अगर हम वहाँ से देखें तो हमारी जितना भी ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग फील्ड्स में सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, उस कहीं ना कहीं इंसानों की ज़िंदगी को आसान बनाया। जैसे अगर आप कोई भी उद्योग में देखिए, कोई भी सेक्टर में जाइए, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हर साल टाइम टू टाइम होते जा रहा है ना। तो ये इम्प्रूवमेंट होने से क्या हो रहा है, लोगों की लाइफ जो है ईजी हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप खेती किसानी को लो तो पहले लोग हाथ से मतलब जो हल चलाते थे और उस चक्कर में क्या होता था, और कई बार पहले कई सारे पेस्टिसाइड नहीं होते थे जिस वजह से क्या होता था कि फसलें कीड़े लगने से बर्बाद हो जाती थी, और हल चलाने की वजह से क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता था खेत को जोतने में। तो पर अब क्या हो गया, आपका जो समय मतलब अभी का जो समय प्रेजेंट टाइम में कई सारी ऐसी मशीनरी बनाई गई है, हैवी मशीनरी जो बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम पे वो काम कर सकती है जो एक किसान मान लीजिए अगर एक हफ्ते में जो काम करता था उसे वो मशीनरी सिर्फ दो दिन के अंदर वो काम को ख़त्म कर देती है, कंप्लीट कर देती है। तो ये एक तरीके से एक बहुत अच्छी टेक्निक हो गई है जिससे फार्मर के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरी चीज़, अच्छे अच्छे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाए गए, कई सारे ऐसी चीज़ें केमिकल्स बनाए गए जिससे ग्रोथ को इंड्यूस किया जाए, मतलब जो आपकी फूड ग्रीन्स हैं जितनी भी फसलें हैं उनकी ग्रोथ को और बेटर बनाया जाए। तो इसलिए भी कई सारी अच्छे मतलब केमिकल सब्सटेंस को वो किया गया डिस्कवर्ड, और कई सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो भी खेतों में कीड़े और कीटनाशक लग रहे हैं जो फसलों में बीमारी होती है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इस तरीके से ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वो भी सिर्फ एक सेक्टर का, ऐसे कई सारे सेक्टर हैं जहाँ पे धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होकर हमारी लाइफ बेटर हुई है और कहीं ना कहीं लोगों का ही फायदा हुआ है। आगे देखिए, however, increased health facility along with better living conditions had a explosive impact on the growth of population. तो अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, population growth के बारे में, कि जैसे जैसे health facilities को हम increase कर रहे हैं और हमारी living condition को हम better बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट हो सकता है पॉपुलेशन की ग्रोथ में। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन, मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो कि 2 बिलियन यानी 2000 मिलियंस है, इन 1900 रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। क्या बता रहा है, एक रेशो बता रहा है कि 6 बिलियन तक की हमारे पॉपुलेशन पहुँच गई थी 2000 में, और अब 7.2 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है 2011 में पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन। तो कितना ग्रेजुअली हुई है, लगभग 1.2 बिलियन इंक्रीज हो गई है 2000 से 2011 के बीच में। अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, और यही ट्रेंड हमारे इंडिया में भी हमने देखा है कि हमारे इंडिया में भी इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है।
आवर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, मतलब हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो कि लगभग 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस के समय, अब वो रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्रॉस ओवर 1.2 बिलियन इन मई 2011। और 2000 के बाद 2011 तक हमारी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन हो चुकी है। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, MMR, ये पेपर फुल फॉर्म आता है, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMR, तो इसका आंसर है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। और सेकेंड है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, तो यहाँ बता रहे हैं कि रैपिड डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन मतलब कई बहुत गिराव हुआ है जैसे डेथ रेट में, कि अभी जितनी बेटर ग्रोथ हो गई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, दवाइयाँ बनाई जा रही है, बड़ी बड़ी फार्मेटिकल कंपनीज खुली है बाहर फॉरेन की इंडिया में, जो अच्छी अच्छी मेडिसिन को प्रोवाइड करा रही है, गवर्नमेंट फ्री में कई सारी मेडिसिन प्रोवाइड करा रही है, फ्री में हॉस्पिटल बनाए रही है ताकि लोग इलाज करा सके छोटी बड़ी डिजीज़ का। पहले क्या होता था कि लोग छोटी छोटी बीमारियों जैसे मलेरिया हुआ, डायरिया हुआ, तो इसमें लोग खत्म हो जाते थे, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर जाते थे, पर अब हर चीज़ का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट इंडिया में अवेलेबल है। और इस वजह से नुकसान क्या हुआ, फ़ायदा तो हुआ कि एक हेल्दी सोसाइटी बन रही, पर दूसरे पर अगर हम देखें तो इसका नुकसान ये हुआ है कि डेथ रेट में कमी हो गई है, मतलब लोगों की डेथ कम हो गई है, दूसरा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो गया है और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो गया है, एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिबल एज एज प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस। और इस तरीके और इसका मेन रीज़न क्या है कि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं तो उनकी एज जो रिप्रोडक्टिबल एज है वो भी इंक्रीज हो रही है ना। थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यानी हमारे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो कि 1951 से स्टार्टेड है, उसके तहत बता रहा है उसके थ्रू, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बढ़ा तो मतलब कंट्रोल नहीं करने की कोशिश तो कर रहे हैं, इट वॉज ओनली मार्जिनल, ये सिर्फ मार्जिनल है। अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कि वो थी वॉज लेस देन 2%, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%, मतलब 2% से कम थी। 20/1000/year है ना, दैट इज रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, और ये वो रेट है जिससे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सच एज अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लेड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट, और यही जो पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ऐसे ही बढ़ते रहेगी तो हमारे लिए एक अलार्मिंग ग्रोथ रेट है, मतलब एक इसको हम बोलेंगे जैसे आपके लिए एक वो है, एक सिग्नल है ना, कि आने वाला समय जो होगा ये बहुत ही टफ हो सकता है और हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी स्कैसिटी हो जाएगी, स्कैसिटी मतलब इनकी विलुप्तता हो जाएगी, मतलब विलुप्त हो जाएगी कई सारी चीज़ें हैं जो, अब आप खुद सोचिए कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, यूज़ करने के कपड़े लत्ते हो गए, चाहे मोटर व्हीकल हो गई, चाहे बिल्डिंग बनाने के लिए प्लॉट्स हो गए, तो जितनी सारी चीज़ें क्या होगा, इनकी कमी होने लगेगी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो है एम्प्लॉयमेंट पे, है ना, तो इसलिए हमें क्या करना है, बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को अच्छे से समझना है और इसकी क्या क्या टेक्निक्स है इसे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।